वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि ये वीडियो स्पेसिफिकली हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, उनको कुछ तरीके से एक्सपोज करते हुए और कुछ उनके फ़ायदे की बात भी है, तो ज़रूर देखें, पूरा देखें, एंड तक देखें, सुने समझें, और कोई नया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। कोई नया मतलब आम जनता, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में बने रहना। अरे खैर, मैंने आपको अभी अभी छोटी सी क्लिप दिखाई जिसमें कैसे कोरोना वायरस पेशेंट्स को बाहर निकाला गया है, फिर वहाँ से एक बच्चा कहता है अचानक से कि हम मोदी को मारेंगे। तब कितनी अच्छी प्रैक्टिस कराई आप देखिए, इस हद तक कि बच्चे ने इतने अच्छे से रिहर्सल की हुई कैमरा देखना और बोलना। बच्चा ये भूल गया या फिर उसके पेरेंट्स से बताना भूल गए कि बेटा शाहीन बाग में नहीं है, हम लोग अस्पताल के बाहर हैं, आपको जगह देख के बोलना है। आपको हर जगह वो मानसिकता नहीं दिखानी है कि आप इतने छोटे होते हुए भी देश की प्रभुसत्ता को ललकारें और प्रधानमंत्री को ये बोलें कि हम मोदी को मारेंगे। वो कुछ छोटा मोटा चलता फिरता उठाई गिरा नहीं है कि आप उसको कुछ भी बोल देंगे, समझ में आता है। लेकिन खैर, वो बच्चा था, मुद्दा उस हद तक बड़ा नहीं किया गया, माहौल भी नहीं था उसी वक्त, कैमरा मैन ने कैमरा भी बंद कर दिया या फिर उतनी ही क्लिप जो भी है जो सबके पास मिली है। लेकिन मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि किस हद तक ये जहर भरा गया। मैंने एक रिलेटिव से सुना था जो आर्मी में है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आर्मी तुम्हारी दुश्मन है। मुसलमान जो होते हैं वहाँ के, जितने भी हैं मुसलमान ही बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाया जाता है मदरसे में और जितने जहाँ भी पढ़ाई होती है, जितने भी मुसलमान बच्चे हैं उन सबको मैक्सिमम ये बताया जाता है कि आर्मी तुम्हारी दुश्मन है, गवर्नमेंट तुम्हारी दुश्मन है, जब भी देखो तो पत्थर मारो। अगर आर्मी अब क्योंकि अब आर्मी क्यों झूठ बोलेगी, आर्मी वहाँ की रग रग से वाकिफ है, जगह जगह पर जाती है, कहाँ सुनती है, क्या क्या विटनेस किया है वो बताएगी, सच बताएगी। तो ये तो दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, या और ये लाइव एग्जांपल आपने खुद देख लिया, और ये पहली वीडियो नहीं है। आपने शाहीन बाग के टाइम पे आपने पहले भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी जब बच्चों ने मतलब पूरा अपने अटायर में अच्छे से सरकार होकर ही आया है और हम इनको मारेंगे, हम शाह को मारेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे कहा है, तो बच्चों से बुलवाया जा रहा है। तब किसी सेकुलर लिबरल कांग्रेसी या किसी ने भी आवाज़ उठा के ये नहीं कहना जरूरी समझा कि बच्चों से तो मत करवाओ, विरोध अपनी जगह, बच्चों को तो मत प्रदूषित करो अपनी जिहादी मानसिकता से। अगर ये भारत का भविष्य बनने वाले हैं किसी भी कोने से, मुझे नहीं पता जिस तरीके से मुसलमान बच्चे पैदा करता, सॉरी दिल पे मत लेना क्योंकि तुम लोग ऐसा करते हो, जो ऐसा करेगा वही दिल पे लेगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो इग्नोर कर देगा कि मैं नहीं करता मुझसे क्या मतलब। तो जिस हिसाब से मुसलमान बच्चे पैदा करता है, चार बीबी 40 बच्चे, 40 में से एक दो कुछ बन जाएंगे बाकी सब पंचर ही जोड़ेंगे, तो उनको उनके भविष्य का कोई मतलब नहीं, उनको बस आबादी बढ़ानी है, डेमोग्राफी चेंज करनी है और सत्ता में अपने आदमी को बिठाना है और फिर हो जाएगा गजवाए हिंद। वैसे भी अगर किसी ने नोटिस नहीं किया है तो इसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ा समर्थन दिया है और बहुत समय से जड़ें मजबूत की हैं कि गजवाए हिंद के लिए रास्ता आसान होता जाए। अब आते हैं सबसे सेकुलर चीज़ पर, ये हुई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटना चाहिए क्योंकि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो सबसे अच्छी बात है भाई। और मुझे जब से लग रहा है कि मोदी जी आए हैं, इस्लाम के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं और मुसलमानों के लिए काफ़ी फ़ायदे की बात है, तो उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। 1400 साल पहले जब इस्लाम अस्तित्व में आया था तो तब तो नहीं था ऐसा कुछ कि लाउडस्पीकर पर देना है, लाउडस्पीकर बना भी नहीं था, कई सौ सालों बाद जाके बना, अभी पिछले 100-200 साल के अंदर बना लाउडस्पीकर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तब तो नहीं करते थे, और जब बीच में लाउडस्पीकर वाली बात भी उठी थी तो थोड़ा आप लोग पहले जाइए, अगर आप लोगों को किसी को याद हो तो इन्हीं लोगों ने मौलवियों ने कहा था कि हराम है, तो तब कहा था हराम है। अब बाद में जब एजेंडे के तहत किसी को परेशान करना है, नाक में दम करना है, तो हम लाउडस्पीकर इस्तेमाल करेंगे। खैर, अब सरकार ने कह दिया, देखते हैं किसका कितना सेकुलरिज्म है, किसका कितना मतलब भाईचारा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि आप मौके मौके पे किताब लेके निकलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, लेकिन जब उनके हिसाब से कुछ आपको करने को कहा जाता है तो आप कहते हैं कि ये हमारे रिलीजन पे हमला है। खैर, अब देखते हैं पुलिस कितने इफेक्टिवली इस चीज़ को लागू कराती है, कितनी जल्दी मस्जिदों से उतरवाती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मंदिरों से भी लाउडस्पीकर उतर जाए, लिटरली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सोसाइटी में इस चीज़ से डिस्टर्स पैदा होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, कोई दिक्कत नहीं, उतार दो। मंदिर में भी ये अगर हमारे यहाँ भी हो रहा है तो उतर जाना चाहिए, आरतियाँ मुँह से जितना बोल के कर सकते हैं करिए, लाउडस्पीकर से सबको परेशान करने की जरूरत नहीं, जो शाम को होती है या कभी भी होती है। तो मैंने बहुत रेयर केस सुना है कि मंदिरों के लाउडस्पीकर से किसी को प्रॉब्लम होती हो,
अब उनकी बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, बहुत कभी कभी यूज़ होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत है तो हट जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये बात मैं सेकुलर होते हुए नहीं कह रहा हूँ, ये लॉजिकल होते हुए कह रहा हूँ, मुझे सेकुलरिज्म का कीड़ा भी काट के गया नहीं है। खैर, वीडियो के एंड में जाते जाते मुसलमानों से एक सवाल और एक वीडियो। सूरह 2 आयत 191 में क्या लिखा हुआ है नॉन बिलीवर्स के लिए, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। अगर किसी के पास जवाब नहीं है तो मैं बता देता हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो उसको आप सही साबित कर दीजिए मुझे गलत साबित करके। इसमें लिखा है किल द नॉन बिलीवर्स, जो अल्लाह में कुरान में बिलीव नहीं रखते उनको मार देना वाजिब है। तो अगर मैं गलत हूँ तो सही चीज़ कोट करके कमेंट में या फिर नीचे जहाँ भी आप बता सकते हैं मुझे, या पर्सनली DM कर कुछ भी आप मुझे बताइए कि मैंने गलत कोट किया। और नॉन बिलीवर कौन है? जो कुरान और अल्लाह में यकीन नहीं रखता है कि ऐसा भी कुछ होता है। और एक वीडियो कश्मीरी की, उसने बताया साफ साफ कि कैसे उसके परिवार को मारा गया। वहाँ के अपने ही लोगों ने, जो भाईचारा कह के रह रहे थे, उन्हीं लोगों ने, आप वो वीडियो सुन के मैं दंग रहेगा, लिटरली दंग रहेगा। ये वीडियोस कोई नहीं डिस्कस करेगा, कोई नहीं सुनाएगा, लेकिन कुछ जाहिल दलाल आ जाएंगे कहने कि वीडियो फेक है, हेट फैला रहे हो। आप वीडियो देखिए, खुद डिसाइड करिए उसका। और मैं आपको कश्मीर की कुछ पर्सनल स्टोरीज बताना चाहता हूँ। मेरे अपने नानू, उनका एक फ्रेंड था यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, वो उनको जब माइग्रेशन का टाइम स्टार्ट हुआ तो उन्होंने उसको बोला कि तू कहीं मत भाग, तू मेरा भाई जैसा है, तू कहीं नहीं जाएगा। और अगले ही दिन उसने मस्जिद से स्पीकर पे ऐलान किया कि इसको मैं मारूंगा। तो ये टाइप का उन्होंने छुरा भोंका था हमारी पीठ पे। और मेरे पापा से रोड पे चलते चलते नाम पूछा था, उन्होंने उमर खान बताया था ताकि पता ना चले कि मैं पंडित हूं, तो मुझे मारा जाएगा। और वहां पे घड़ी में आधा घंटा पीछे रख के चलते थे लोग, ये खौफ था पाकिस्तान के टाइम से चलते थे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिल्म, जय हिंद, वंदे मातरम।